2011 से हमारा केस चालू है और 8 जून को 2015 को हाई कोर्ट ने बोला कि तुम्हारा घोड़ा गाड़ी बंद कर देने का, बंद करने का बोला, 6 महीने की मुदत दिया है, 6 महीने के बाद आपको हम टैक्सी परमिट या रिक्शा परमिट या छोटा बाखड़ा देंगे। गवर्नमेंट बैंड लगाई, उन्होंने बोला था कि तुमको टैक्सी मांगता है, क्या मांगता है, अभी तक कुछ दिया नहीं है, और अभी मेरी 70 साल की उम्र में मैं टैक्सी लेके कैसे चलाऊंगा। जितना भी घोड़ा गाड़ी चलाता है, ड्राइवर है, उसको देखभाल करने वाला है, धनी है, उनको कुछ भी रोजी रोजगार दे दो, बंद कर दो। हम लोग को बोलते हैं आप घोड़े के ऊपर जुल्म करते, बोलते हैं उसमें क्या जुल्म करते हैं। दे कान बी फोर्स्ड टू रन ऑन हार्ड पेमेंट, दे कान बी स्टार्व्ड, यू विल फाइंड हॉर्सेस विद रिब केजेस visible and the pelvic girdle or the bones visible, malnourished horses, and all, most of them are injured and sick, so it's cruel to them. Dangerous because it causes, there are numerous traffic accidents that have happened in which even animals have died and people also seriously got injured. अब घोड़ा गिरता है तो हमको भी तकलीफ होती कि वो गिरता है, तो हम भी उसकी दवा पानी इलाज वगैरह सब करते, परफेक्ट उसको 2-3 दिन बैठाते, उसकी दवा पानी ग्लूकोज वगैरह सब चढ़ाते, अब हम जान पूछ के तो उसको गिराते नहीं। राजा महाराजा का घोड़ा गाड़ी चलाते आते हैं, और घोड़ा गाड़ी एक मुंबई की शान है, शौक से बाल बच्चे को बैठ के घुमाते हैं। ये जो राइडिंग है ना, बच्चों को बहुत इंजॉय कराती है, और मेरे हिसाब से इसको जारी रखना चाहिए गवर्नमेंट को, क्योंकि एक तो सबसे पहली बात, हम लोग जो टूरिस्ट रहते हैं, घूमने आते हैं, तो उन्हें एक एंजॉयमेंट मिलता है। एक नो, दे शुड नॉट बैन, because one is if they ban, what will these people do? Our government should provide them some job or take care of them. Kids enjoy, and this has been from so many years, so they should not ban. 73 साल से घोड़ा गाड़ी चल रही है, और सबसे पहला जो लाइसेंस नंबर रहता है, फिक्स रहता है, एक नंबर की घोड़ा गाड़ी मेरे पास है आज की तारीख में भी। As per the provision of the law, they require the licenses. As per the provision of the BMC laws, they need a license table. So in the absence of which, the court ruled that these horses are illegal. घोड़े का अलग लाइसेंस, घोड़े का अलग नंबर आता है, गाड़ी का अलग नंबर आता है, वो हम लोग को साल साल में जाके रेनू कराना पड़ता है। ये तीन साल से हम लोग का गाड़ी भी रेनू नहीं कर रहे हैं। जो हम लोग तो इनकम टैक्स भरते हैं, सब क्लियर है, हम लोग तो बाप दादा के सब कानूनी सर है, हमारे पास सब लाइसेंस है, सब है। मियाँ भाई लोग के मोहरम में सब में जाते, महाराष्ट्र लोग में मुंज रहता है उसमें घोड़े जाते, हमारा गुजराती लोग में जनोई रहती है तभी घोड़े जाते हैं, हर एक कास्ट में हर एक बाजू घोड़ा यूज होता है, फिर भी बोलता है बैंड करो। हम लोग उसको बैंड करो तो रेस कोर्स भी बंद करो, आप रेस कोर्स क्यों बंद नहीं करते, क्योंकि आपको करोड़ों रुपया मिलता है इसलिए क्या? Tradition, culture, religion, they are never an excuse to cruelty to animals, because that is what our constitution of India says, that we should be, as citizens of India, we should be compassionate to animals. So, and the tradition, culture, religion, we all grow with time. I mean, our perception changes, we take most compassionate and scientific decisions time to time. Ek parivar ke jaisa ek फैमिली मेंबर है घोड़ा हमारा, उसको क्या तकलीफ होती है हमको मालूम है। हमको भी तो दुख होएगा ना, हम इतने साल से इस घोड़े को संभालते, वो अचानक हमसे अलग होएगा तो हमको भी दुख होएगा कि इतने साल से हम चलाते थे उस घोड़े को। जो उनका रोजगार रहता है 200-300-400, वो नौकर को घोड़ा गाड़ी वाले को दे देते, वो घोड़ा गाड़ी वाला लेता है अपनी खुशी से, उसका भी पेट भरता है, सेठ लोग भी खुश हो जाता है, तो इसमें गलत क्या है?